पिछले वीडियो में मैंने आपको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पूरी कहानी बताई थी। मोसाद कब बना, मोसाद काम कैसे करता है, मोसाद के जो हेड है वो कौन है, मोसाद की जो हेड हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, मोसाद के हेड को कौन चयन करता है, मोसाद के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पूरी भूमिका कैसे होती है किसी एक ऑपरेशन को अंजाम देने में, पूरी कहानी मैंने आपको उस पुरानी पिछले वीडियो में बताई है। मोसाद की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसने लेबनान में बहुत सारे जो पेजर्स थे उसके ब्लास्ट कराए, फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट की कहानी, उनकी यूनिट 8200 वो दोनों मिल करके काम किए। लेकिन मोसाद के जो खुफिया एजेंट है इजराइल की, खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद, उसकी नाकामियां भी बहुत रही हैं। उसकी चर्चा आप सबसे ज़्यादा उसके जो सफल ऑपरेशंस हैं उसकी कर रहे हैं, उसके सफल ऑपरेशंस को आप जान रहे हैं। लेकिन ये भी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ नाकामियां भी हैं जिसके बाद से पूरी दुनिया में उसकी गिरी हुई थी। आज उसी नाकामी के पीछे की कहानी जो है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली मोसाद भी अपने कई ऑपरेशंस में असफल रही है। आज उन्हीं असफल जो उनके ऑपरेशंस हैं, 5 ऐसे चुनिंदे ऑपरेशंस, उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 5 ऑपरेशंस हैं मोसाद के जो सफल नहीं हुए। हालांकि सफलता की कहानियों के बीच मोसाद के कई इतिहास जब आपके पुराने पन्ने पलटें, मोसाद के पीछे इतिहास जब देखेंगे तो आपको कुछ असफलताएं भी दिखाई देंगी। ये सफलताएं न केवल एजेंसी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी बल्कि इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी धक्का पहुंचाया था। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं मोसाद की 5 सबसे बड़ी नाकामियों की पूरी कहानी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं लिलेहामर हत्याकांड 1973 की। 1973 में मोसाद ने एक ऑपरेशन के दौरान नॉर्वे के लिलेहामर शहर में एक निर्दोष व्यक्ति अहमद बूचिकी की हत्या कर दी थी। दरअसल हुआ ये कि मोसाद को ये लगा कि जो आदमी बूचिकी है वो आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर का सदस्य है और म्यूनिख ओलंपिक हमले के लिए जिम्मेदार था। लेकिन ये पहचान सही नहीं थी, ये पहचान गलत निकली और इस ऑपरेशन में शामिल कई मोसाद एजेंटों को नॉर्वे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना ने इजराइल और नॉर्वे के संबंधों पर भी गहरा असर डाला था। दूसरी नाकामी मोसाद की कौन सी थी, वो कहानी क्या है वो देखिए। 1997 का साल, खालिद मिशाल की हत्या की कोशिश। मोसाद ने हमास नेता खालिद मिशाल को जॉर्डन में जहर देने की कोशिश की थी। इस असफल ऑपरेशन में मोसाद के एजेंटों को जॉर्डन की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब के इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जॉर्डन के किंग हुसैन के दबाव में आकर मोसाद के एजेंटों की रिहाई के बदले में जहर का एंटीडोट भेजना पड़ा था। इस ऑपरेशन की असफलता ने मोसाद की प्रतिष्ठा पर भी गहरा प्रभाव डाला था। तीसरी ऑपरेशन की बात करते हैं, बेरूत के ऑपरेशन जिसमें मोसाद को असफलता मिली थी। 1983 में ऑपरेशन हुआ था। 1983 का साल था। मोसाद ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई जिसका मकसद सिर्फ ये था फिलिस्तीनी नेता अबू निडाल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये मिशन सफल नहीं हो पाया और मोसाद ने न केवल निडाल को मारने में असफलता मिली बल्कि इसके कारण कई निर्दोष नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इस असफलता ने इजराइल की खुफिया समीकरण रणनीति पर भी सवाल खड़े किए थे। चौथी कहानी दुबई से है। 2010 साल था। दुबई में महमूद अल मबूह की हत्या की कोशिश और हमास के वरिष्ठ कमांडर थे ये अल मबूह, जिनकी हत्या 2010 में दुबई के एक होटल में हो गई। हालांकि मोसाद ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तो दिया था लेकिन दुबई की पुलिस ने जल्द ही इनकी जाँच की और हत्या करने वालों की पहचान कर मोसाद के एजेंटों को पहचाना और इस ऑपरेशन में फर्जी पासपोर्ट और गलत पहचान का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप था जो बाद में सार्वजनिक किया गया। इस घटना के बाद इजराइल को कई देशों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और मोसाद की कार्यप्रणाली फिर से सवालों के घेरे में आ गई थी। पांचवीं कहानी जिसमें मोसाद को सफलता नहीं मिली, वो साल 1991 की, रॉबर्ट मैक्सवेल की हत्या की अफवाह। ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की हत्या को लेकर अफवाहें हैं कि मोसाद इसमें शामिल था। साल 1991 में मैक्सवेल की मौत
अटलांटिक महासागर में उनके याट से गिरने से हुई, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी है कि मोसाद ने उन्हें उनके इजराइल के साथ कर्ज को लेकर उनकी जानकारी छिपाने के लिए खत्म किया था। हालांकि इस मामले में मोसाद की भूमिका को आज तक कभी कोई साबित तो नहीं कर सका, लेकिन इस घटना ने एजेंसी की गुप्त और संदिग्ध गतिविधियों पर रोशनी जरूर डाल दी थी। तो मोसाद की सफलताओं की जब कहानी आप सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा लगता होगा, लेकिन मोसाद की सफलताओं की कहानी भी आपको जानना जरूरी थी, इसलिए मैंने ये चुनिंदा 5 कहानियां आपको सुनाई मोसाद की सफलता की। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भले ही ये दुनिया की सबसे सक्षम, सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक एजेंसी हो, लेकिन इसकी विफलताएं भी गंभीर ही रही हैं। इन असफलताओं ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोसाद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इजराइल की विदेश नीति और उसकी खुफिया रणनीति को भी प्रभावित कर दिया था। तो ये थी मोसाद से जुड़ी कहानी, और मोसाद के सफलताओं की कहानी आपने बहुत सुनी पढ़ी होगी, लेकिन उसकी विफलताओं की कहानी मैंने आपको बताई 5 चुनिंदा कहानियाँ जिसमें मोसाद के ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली थी। और मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि मोसाद अपने दुश्मनों को पाताल से भी दूर कर मारने में योग्य है। तो फिर ये ऑपरेशन असफल भी होते हैं, और मोसाद के ऑपरेशन की सफलता की कहानी मैंने आपको बता दी। तो ये नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी खुफिया एजेंसी कभी असफल नहीं है, उसकी सफलताएँ भी बहुत हैं, और सफलताएँ तो उसकी खैर है ही। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोज में मोसाद के चुनिंदा ऑपरेशंस के बारे में भी बताऊँगा कि उसमें उनको सफलता वाली जो कहानियाँ वो भी आपको बताऊँगा। पहले असफलता की कहानी इसलिए मैंने सुनाई कि आजकल के जो युवा हैं, लोग हैं, थोड़ी सी असफलता आने पर निराश हो जाते हैं। इसलिए असफलता होने पर निराश मत होइए, उस असफलता से अपनी गलतियों को देखिए, उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों को सुधारिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने मोसाद की सफलता की कहानी अभी नहीं सुनाई है, वो आगे अब धीरे धीरे सुनाना शुरू करूँगा। इसीलिए मैंने मोसाद की पहले असफलता की कहानी सुनाई, मोसाद दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी, बेहतरीन खुफिया एजेंसी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऑपरेशन में असफलता उसको मिली है, और उसके बाद असफलताओं से सीख करके ही उसने बहुत सारे सफल ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। तो सफलता से कभी निराश ना हों, असफलता से अपने गलतियों से सीखें, सीखने के बाद आगे बढ़ें, निश्चित सफलता मिलेगी। तो मोसाद की पूरी कहानी आपको ज़रूर प्रेरणा देगी कि असफलता के साथ साथ आप कोशिश करते रहिए, सफलता मिलनी है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आखिरी में जाते जाते फिर से वही अनुरोध करूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल भी आप, वहाँ पर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।